जलगांव तहसील के रावेर में बिना मास्क बिना लाइसेंस हेलमेट बाहर घूमने पर पुलिस काटेगी 500 रुपए का चालान। देश दुनिया में कहर बरपा रहे कोरोना वायरस संक्रमण निपटने के लिए विशेषज्ञ बार बार सावधानी बरतने की सलाह देते हैं। इनमें घर से बाहर निकलते समय फेस मास्क पहनना, हाथों को बार बार धोना और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना शामिल है। इसके बावजूद जलगांव रावेर समेत कुछ शहरों में गाँवों में कुछ लोग इन नियमों का पालन नहीं कर रहे हैं। ऐसे में अभी तक सड़कों पर बिना मास्क निकलने वाले लोगों का रावेर तहसील ट्रैफिक पुलिस चालान कर रही है। सड़कों पर फिर से ट्रैफिक का दबाव पहले की तरह बढ़ गया है। कोरोना वायरस को ध्यान में रखते हुए ट्रैफिक पुलिस ने अब बिना लाइसेंस हेलमेट बिना मास्क वाहन चालकों पर कार्रवाई अभियान शुरू कर दी है। आपको बता दें कि तहसील रावेर तथा बुरहानपुर अकलेश्वर हाईवे महामार्ग पर दो पहिया चार पहिया वाहन चलाने वाले तीन सवारी बैठाने वाले संकेतों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ भी कार्रवाई की जा रही है। इसके बाद भी बार बार बिना मास्क वाहन चालकों को रावेर पुलिस कर्मियों द्वारा ट्रैफिक नियमों का पालन करें ऐसा समझाया गया, फिर भी लोग समझ नहीं पा रहे हैं। तहसील रावेर पुलिस कर्मियों को कड़ी धूप में हाईवे पर नहीं समझ आने वाले लोगों पर चालान काट कर कोरोना वायरस से रोका जा रहा है। तहसील रावेर से उमाकांत मराठे की रिपोर्ट, NBC न्यूज के लिए।